भूपेश बघेल आज उड़ीसा दौरे के लिए रवाना हुए हैं, जहां वो घाट गांव में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। उड़ीसा जाने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में भूपेश बघेल ने साल के अंतिम दिन अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पूरा साल छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों भरा रहा है। कर्ज माफी से लेकर बिजली बिल माफ, 35 किलो चावल, 2500 रुपए धान खरीदी, किसानों की जमीन वापसी का फैसला इसी साल हुआ है और इसी के साथ ही आदिवासियों की जेल से रहाई, नरवा गुरवा घुरवा बाड़ी कार्यक्रम, फी होल्ड से लेकर गोमाश्ता जैसी सारी सुविधाएं दी गई हैं। मुख्यमंत्री सुपोषित योजना, हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत को भी इस साल की उपलब्धियों के तौर पर गिना रहे हैं। पूरा साल छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धियों भरा रहा है। ऋण माफी से लेके 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदी, 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा से 35 किलो चावल हर परिवार को, और गलत ढंग से जिन आदिवासियों को जेल में निरुद्ध किया गया है उनके छोड़ने की प्रक्रिया से लेके नरवा गरवा घुरवा बारी कार्यक्रम, ये सारे संचालित हुए हैं।